नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दुख दरिद्रता से बचना है तो आज अवश्य करें ये उपाय। होली से पहले आने वाली आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का दिन श्रीहरि को बहुत ही प्रिय होता है। आज के दिन दुनियादारी के बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे जीवन में बहुत सारे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। जगत के पालनहार को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आमलकी एकादशी पर भगवान नारायण के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इसके अतिरिक्त आमलकी एकादशी पर अपनी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय कर लेने से जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि, आज के दिन नारियल को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर आंवले के पेड़ पर अर्पण करें। कल द्वादशी के दिन इस नारियल को अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। वृष राशि, इस राशि के जातकों को आज अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में धन प्राप्त के बहुत सारे मौके मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले नौकरी में उच्च पद पाने के लिए आंवले के पेड़ को जल से सींचे और 7 बार परिक्रमा करें। कर्क राशि, अगर वैवाहिक जीवन में सुख शांति कहीं खो सी गई है तो आमलकी एकादशी पर आंवले के जल से भगवान श्रीहरि का अभिषेक करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंह राशि, आज के दिन सिंह राशि वाले श्रीहरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और आंवले का फल अर्पण करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, बीमारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी पर आंवले का उपटन लगाकर स्नान करें। तुला राशि, व्यापार में उन्नति पाने के लिए 108 आंवले दान करें। ऐसा करने से 3 दुनी रात चौगनी तरक्की अवश्य होगी। वृश्चिक राशि, शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, नरसिंहाय विद्महे ब्रजनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ये भगवान नरसिंह का गायत्री मंत्र है। धनुराशि, धनुराशि के जातक आज के दिन 21 पीले फूलों से श्री हरि की पूजा करें। ऐसा करने से कैरियर के लिए लाभदायक साबित होगा। मकर राशि, आज व्रत रख कर आंवले के पेड़ की पूजा करें। ऐसा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य मिलेगा। कुंभ राशि, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए केसर मिश्रित जल से लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मीन राशि, आज के दिन बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी की 21 गांठ श्री हरि को चढ़ाएं और फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर पीले कपड़े में बांधकर लटका दें। अगर किसी कारणवश इन उपायों को नहीं कर पा रहे हैं तो बस व्रत रख कर लक्ष्मीपति के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है, श्री राम राम रामे तीर में रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात पार्वती, जिसे भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।